नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे जो लास्ट सेशन था उसमें हमने देखा था कि जो चौहान वंश है, चौहान वंश है उसकी उत्पत्ति के बारे में देखा था। साथ ही हमने जो सांबर या अजमेर का जो चौहान वंश है उसके बारे में हमने पढ़ना क्या किया था, शुरू किया था। तो चौहानों की उत्पत्ति या ओरिजिन के बारे में यदि हम बात करें तो उसके बारे में अलग अलग जो सिद्धांत है वो हमने देखे थे। पहला जो सिद्धांत है वो हमने देखा था अग्निकुंड का। कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड का सिद्धांत देखा था। ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार इसकी पुष्टि करने वाला है वो एक पुस्तक है, चंद्र बरदाई है उसकी पुस्तक है, जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो है ये अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसकी क्या करती है, पुष्टि करती है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या बताया गया है कि जो ऋषि वशिष्ठ है इन्होंने क्या किया था, एक आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। किस पर्वत पर? आबू पर्वत पर। आबू आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। यज्ञ के दौरान कई जो विधान पैदा हुए थे उन विधानों को मिटाने के लिए इन्होंने क्या है, चार क्षत्रिय जो राजपूत हैं उनकी क्या हुई थी, जो चार क्षत्रिय हैं उनकी क्या हुई थी, यज्ञ कुंड से उत्पत्ति हुई थी, जिनमें कौन थे, चालुक्य थे, परमार थे, चौहान थे और प्रतिहार थे। कालांतर में ये जो मत है इसका समर्थन करने वाले दो विद्वान थे, एक था मुणोत नेणसी। कौन? एक था मुणोत नेणसी और एक कौन था, सूर्यमल मिश्रण। कौन था? मुणोत नेणसी और दूसरा है वो कौन है, सूर्यमल मिश्रण। ये इस जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसके क्या है, ये समर्थक हैं। इन लोगों ने इसे क्या किया था, अप्रूव किया था कि भाई हाँ ये मत है वो सत्य है। उसके बाद जो सूर्यवंशी हैं उस सिद्धांत की जो पुष्टि है वो तीन पुस्तकों ने की थी, एक अभिलेख ने की थी और एक जो इतिहासकार है उसने की थी। तो पुस्तकों की यदि हम बात करें तो सूर्यवंश के जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि करने वाली पुस्तकें, एक तो विजयराज सॉरी पृथ्वीराज विजय, एक थी हमीर रासो, एक थी हमीर महाकाव्य। ये तीन पुस्तकें हैं जो कि जो सूर्य का जो वंश का जो सिद्धांत है उसकी क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। फिर एक विग्रहराज का अभिलेख है, विग्रहराज जो चतुर्थ है उसका अजमेर अभिलेख है, अजमेर अभिलेख है वो भी क्या है, सूर्य वंश के सिद्धांत की पुष्टि करता है। इतिहासकार कौन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो भी क्या है, सूर्य वंश का जो सिद्धांत है उसकी क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। उसके बाद हमने देखा था एक चंद्रवंशी सिद्धांत, चंद्रवंशी सिद्धांत की पुष्टि करने वाले दो अभिलेख थे, एक हांसी अभिलेख और एक कौन था, अचलेश्वर अभिलेख। कौन से अभिलेख, हांसी अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख है वो क्या करते हैं, जो चंद्रवंश का जो सिद्धांत है उसकी क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। इनका मानना है कि जो जो चौहान है, चौहानों की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, चंद्रवंश, जो चंद्रवंशीय कुल से क्या हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर यदि हम अगला जो मत देखा था वो देखा था ब्राह्मण, यदि हम ब्राह्मणों की यदि हम बात करें तो ब्राह्मणों से पुष्टि करने वाले जो एक तो बिजोलिया अभिलेख है जो कि क्या है, इस बात की पुष्टि करता है कि जो चौहान थे वो कैसे थे, ब्राह्मण थे। फिर एक था चंद्रावती अभिलेख और एक कायमरासो और दशरथ शर्मा। कौन, कायमरासो और दशरथ शर्मा है वो भी क्या करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। फिर एक था विदेशी से, विदेशियों से हमने देखा था कि जो जेम्सटोड है, जेम्सटोड बताते हैं कि चौहान है वो क्या है, शक और सीथियन जो जाति है उनसे बिलोंग करते हैं। साथ ही विलियम क्रूक है जिन्होंने क्या है, विदेशी होने का क्या किया था, समर्थन किया था, और एक वी स्मिथ। उसके बाद अगला जो चौहानों का जो जो संबंध है वो किन से जोड़ा जाता है कि इन्हें इंद्र के वंशज बताया जाता है। ये जो है वो कौन है, रायपाल का जो सेवाड़ी जो अभिलेख है वो क्या है, इस चीज के बारे में बताता है। फिर यदि हम चौहानों की यदि उत्पत्ति स्थल की बात करें तो सपादलक्स, सपादलक्स यानी कि जो सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है, सांबर झील के जो आसपास का क्षेत्र है वो जो एरिया है वो क्या है, इनके जो चौहानों का जो वंश है उसका क्या है, उत्पत्ति स्थल है। क्या है, उत्पत्ति स्थल। यदि हम इनके राजधानी की बात करें, हमने राजधानी देखी थी वो कौन सी देखी थी, नागौर, नागौर या नागौर को उसमें क्या कहते थे, अहिच छतरपुर।
उसके बाद हमने जो चौहान है, चौहानों की क्या देखी थी, रियासतें देखी थी। तो रियासतों में हमने कौन कौन सी देखी थी, एक सांबर के चौहान, सांबर या अजमेर के चौहान, सांबर या अजमेर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, नाडोल के चौहान। सांबर है, रणथंबोर है, नाडोल है, जालोर के चौहान, सिरोही, सिरोही, जालोर, बूंदी और कोटा। ये क्या है, चौहानों की रियासतें हैं। क्या है, रियासतें हैं, जिनमें अजमेर के जो सांबर के जो अजमेर के जो चौहान है वो कहाँ चले गए थे, नाडोल में इन्होंने अपनी शाखा खोली थी, फिर नाडोल एक इन्होंने जालोर में खोली थी और एक इन्होंने कहाँ पर खोली थी, सिरोही में खोली थी। फिर जो अजमेर के जो चौहान है उन्होंने एक शाखा है वो कहाँ पर खोली थी, रणथंबोर में खोली थी। फिर जो नाडोल के जो चौहान है वो कहाँ चले गए थे, कोटा और बूंदी। यहाँ पर भी क्या, नाडोल के जो चौहान है उन्होंने क्या खोली थी, अपनी शाखाएं खोली थी। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा था कि जो सांबर का जो चौहान वंश है, सांबर के चौहान वंश में हमने देखा था वासुदेव, ये सांबर में अजमेर में चौहानों की क्या थी, ब्रांच थी। और यहाँ का जो पहला शासक था वो कौन था, वासुदेव, कौन था, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान है 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में, जो राजशेखर की पुस्तक है, राजशेखर की पुस्तक है कौन सी, प्रबंध कोश। प्रबंध कोश क्या कहती है, प्रबंध कोश कहती है कि 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में सांबर के, सांबर में क्या है, चौहान वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कहां पर, सांबर में चौहान वंश की स्थापना हुई थी, कब, 551 ईस्वी में। फिर जो बिजोलिया अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार क्या बताया गया है कि जो सांबर झील है, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, इसी वासुदेव चौहान है, उसने करवाया था। उसके बाद इसने क्या है, अपनी राजधानी बनाई थी, राजधानी, राजधानी कहां पर बनाई थी, नागौर को, नागौर को क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई, किसने बनाई थी, वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान के बाद में हमने देखा था गोवक प्रथम, गोवक फर्स्ट, गोवक फर्स्ट को देखा था। ये जो गोवक फर्स्ट है ये क्या है, पहले क्या थे चौहान, किनके सामंत थे, प्रतिहारों के, कहां के सामंत थे, पहले प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। और जो प्रतिहारों के जो सामंत थे, प्रतिहार राजा नागभट्ट जो सेकंड है वो इसे क्या है, गोवक को एक उपाधि देता है, कौन सी, वीर की उपाधि देता है, कौन सी उपाधि देता है, वीर की उपाधि देता है। फिर हमने देखा कि कालांतर में जो ये चौहान है इन्होंने क्या है, प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, और ये जो गोवक प्रथम है ये अपने आप को क्या घोषित करता है, स्वतंत्र राजा घोषित करता है। तो स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र राजा घोषित करने वाला चौहान शासक है वो कौन है, गोवक फर्स्ट है। उसके बाद हमने अगला जो शासक देखा था वो देखा था चंदन राज, चंदन राज। ये जो चंदन राज है इसकी रानी थी, रानी का नाम क्या था, आत्म प्रभा, आत्म प्रभा। ये जो आत्म प्रभा ये रुद्राणी के नाम से प्रसिद्ध थी, रुद्राणी के नाम से प्रसिद्ध थी। भगवान शिव की क्या थी, ये अखंड भक्त थी। ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमेशा पुष्कर झील है उसमें 1000 दीपक जलाकर क्या करती थी, शिव की पूजा करती थी। योग क्रिया है उनमें क्या थी, निपुण थी। फिर चंदन राज के बाद में अगला जो शासक आता है वो वाकपतिक राज। ये जो वाकपतिक राज है इसने 108 युद्ध, 108 युद्ध लड़े। ये क्या है, 108 युद्ध है, 108 युद्ध लड़े, और 108 युद्धों का क्या है, ये विजेता है, विनर है। 108 जो युद्ध है उनका क्या है, ये विजेता है। और इसका पुत्र था, इसका पुत्र था कौन, लक्ष्मण, लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज है। उसने क्या किया था, लक्ष्मण राज ने जो नाडोल है, नाडोल में चौहानों की क्या की थी, ब्रांच स्थापित की थी। कहां पर, नाडोल में चौहानों की ब्रांच स्थापित करने वाला कौन था, वो था लक्ष्मण राज। इसके बाद अगला जो शासक था वो हमने देखा था वाकपतिक राज है। उसके बाद में अगला शासक आता है विग्रह राज सेकंड। कौन आता है, विग्रह राज सेकंड, विग्रह राज सेकंड।
ये जो विग्रहराज सेकंड है, इसने गुजरात का जो चालुक्य शासक था, कौन? मूलराज सेकंड है, सॉरी मूलराज फर्स्ट को क्या करता है, ये हराता है और अपनी जो कुल देवी है आशापुरा माता का मंदिर बनाता है कहां पर? भरूची में, भरूच है, भरूच में क्या अपनी जो कुलदेवी आशापुरा माता है उसके मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके बाद अगला जो शासक आता है वो कौन आता है? गोविंद थर्ड। ये जो गोविंद थर्ड है, इतिहासकार फरिश्ता है, फरिश्ता क्या कहता है कि इसने मोहम्मद गजनवी को क्या है, मारवाड़ पार नहीं करने दिया। क्या पार नहीं करने दिया? मारवाड़ है वो क्रॉस नहीं करने दिया। किसे? मोहम्मद गजनवी को। ये बात कौन कहता है? फरिश्ता कहता है। फिर एक गुजरात में चालुक्य शासक था जिसका नाम क्या था? भीम फर्स्ट। कौन? भीम फर्स्ट है, वो क्या करता है, इसकी सहायता करता है। किसकी? गोविंद राज की सहायता करता है। किसके खिलाफ? जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी के खिलाफ क्या करता है, इसकी सहायता करता है। मारवाड़ प्रवेश में क्या है, उसे मारवाड़ को प्रवेश करने नहीं देता है। फिर ये जो गोविंद राज, जो गोविंद थर्ड है, इसकी उपाधि है एक वेरी घट। वेरी घट, वेरी का मतलब होता है शत्रु, घट का मतलब होता है नाशक, शत्रु का नाश करने वाला। उसके बाद अगला जो शासक आता है वो कौन आता है? दुर्लभ राज। दुर्लभ राज, ये जो दुर्लभ राज है, जो दुर्लभ राज, ये कौन सा था? दुर्लभ राज थर्ड। ये जो दुर्लभ राज थर्ड है, इसने गजनवी का इब्राहिम था, गजनवी के इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन? दुर्लभ राज है, वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। उसके बाद अगला शासक बनता है, वो बनता है विग्रह राज थर्ड। विग्रह राज थर्ड, ये जो विग्रह राज थर्ड है, ये इसने जो गजनवी का एक शासक था, क्या नाम था? साहबुद्दीन है, उसको हराने वाला कौन था? विग्रह राज थर्ड था। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? पृथ्वीराज फर्स्ट। ये जो पृथ्वीराज फर्स्ट है, इसने बगुली शाह को हराया था। किसे हराया था? बगुली शाह है, उसको हराया था। यहां तक हमने देखा था जो पिछला सेशन था उसमें। आज हम देखेंगे अजय राज चौहान के बारे में। अजय राज, ये इसे जो अजय राज है, इसने दो गर्ज गर्जन मार मातंगो है गर्जन मातंगो को हराया था। किसने? इसने गर्जन मातंगों को क्या है, हराया था। गर्जन मातंगों से तात्पर्य है यहां पर जो गजनवी आक्रमणकारी हैं। कौन? गजनवी आक्रमणकारी, गाजर जो गजनी आक्रमणकारी हैं उनको हराने वाला है वो कौन है? अजय राज है। फिर इसने क्या है, 1113 में अजमेर की क्या की थी, स्थापना की थी, और अजमेर में क्या है, किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो अजमेर की स्थापना कब की थी? 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में इसने अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना की थी तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया। अजमेर की स्थापना की और यहां पर क्या है, किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसकी एक रानी थी, रानी का नाम क्या था? सामल दे का दूसरा नाम क्या था? सोमलेखा। इसकी रानी सामल दे या सोमलेखा के नाम से इसने क्या है, चांदी और क्या करवाए थे, तांबे के सिक्के चलवाए थे। रानी का नाम क्या था? सोमल देवी या सोमलेखा। तो इसकी रानी इसने अपनी रानी
सोमल देवी, जिसे सोमलेखा के नाम से भी जाना जाता है, सोमलेखा के नाम से। चांदी वह तांबे के सिक्के चलाए। चांदी वह तांबे के सिक्के चलाए। रानी का नाम क्या था? सोमल देवी या सोमलेखा? सोमलेखा के नाम से इसने क्या चलाए थे? चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? अजयराज चौहान ने चलाए थे। फिर इसने क्या है, जो पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है, पार्श्वनाथ जी के मंदिर को भी क्या है, ये स्वर्ण कलश है वो भेंट करता है। फिर पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय है जब इसने ये सिक्के चलाए थे, चांदी वो तांबे के सिक्के चलाए थे, तो पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार क्या कहा गया है? पृथ्वीराज विजय कहती है कि जो अजयराज चौहान है, इसने जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी को क्या है, चांदी के सिक्कों से क्या कर दिया था, भर दिया था। क्योंकि इसने क्या, अपनी रानी है उसके नाम पर क्या सिक्के चलाए थे। संपूर्ण पृथ्वी से तात्पर्य है कि जो इसका जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य की बात की है। तो ये जानकारी है वो कौन देती है, कौन कहता है ये बात? जो पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय क्या कहती है? पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने, यानी कि अजयराज ने, इसने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। ये बात कौन कहता है? पृथ्वीराज विजय है वो कहती है कि अजयराज चौहान है, उसने जो संपूर्ण पृथ्वी है, यानी कि जो अपना जो साम्राज्य है, संपूर्ण पृथ्वी से यहां पर तात्पर्य है उसके साम्राज्य से है, तो संपूर्ण पृथ्वी है उसको क्या है, इसने चांदी के सिक्कों से भर दिया था। इसने जो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए सुवर्ण कलश भेंट किया। पार्श्वनाथ जी है उसके मंदिर के लिए इन्होंने क्या किया था, सुवर्ण कलश है वो भेंट किया था। अजयराज चौहान है, उसने क्या किया था, जो गर्जन मातंगो है उनको क्या कराया था, हराया था। यानी कि गर्जन मातंग है, इनसे जो गजनी आक्रमणकारी है उनको बताया गया है। 1113 में इसने अजमेर की स्थापना की थी और यहां पर क्या किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अपनी रानी सोमलेखा या सोमल, जो सोमल देवी है, उसके नाम पर इसने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। पृथ्वीराज विजय है वो क्या कहती है कि इसने संपूर्ण पृथ्वी को क्या है, चांदी के सिक्कों से भर दिया था। फिर पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है उसमें इसने क्या किया था, स्वर्ण कलश है वो भेंट किया था। फिर जो जैन जो संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर, इनके मध्य क्या है, शास्त्रार्थ हुआ था। उसकी क्या है, अध्यक्षता करने वाले हैं वो कौन थे, अध्यक्षता करने वाले हैं वो अजयराज हैं, उन्होंने की थी। तो शास्त्रार्थ, यदि दो दो इंसान हैं उनके मध्य यदि आप और मेरे में यदि कोई बात होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहस बोलते हैं। और यदि दो जो विद्वान लोग हैं उनके मध्य यदि किसी बात को लेके बहस होती है तो उसे क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ कहते हैं। तो इसने क्या है, दिगंबर और जो श्वेतांबर है, इसने दिगंबरों व श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। किसने? अजयराज चौहान है, उसने दिगंबर और श्वेतांबर है उनके मध्य जो शास्त्रार्थ हुए थे उसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। फिर अपने जीवन काल में ये जो अजयराज चौहान है ये क्या करता है, अपना एक बेटा था जिसका नाम क्या था, अर्णोराज था। अर्णोराज चौहान है उसको क्या बना देता है, राजा बना देता है और स्वयं क्या ले लेता है, संन्यास ले लेता है। उसी परंपरा का पालन करता है जो कि क्या है, चार आश्रम की जो परंपरा है उस परंपरा के तहत ये क्या करता है, संन्यास ले लेता है। तो चार आश्रम कौन कौन से, पृथ्वीराज
आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये संन्यास आश्रम के तहत क्या कर लेता है, जो अजयराज चौहान है वो क्या कर लेता है, संन्यास ले लेता है। तो इसने अपने जीवन काल में अपने बेटे अर्णोराज को राजा बनाकर स्वयं क्या लेता है, स्वयं ने स्वयं संन्यास ले लेता है। स्वयं क्या ले लेता है, संन्यास ले लेता है। और अगला जो शासक है वो कौन बनता है, फिर अर्णोराज बनता है। अगला शासक है वो हम देखेंगे अर्णोराज। ये जो अर्णोराज है, इसने जो मालवा के नरवर्मन जो नर सॉरी जो नरवर्मन है उसे क्या करवाया था, हराया था। अर्णोराज ने किसे हराया था, इसने मालवा के नरवर्मन को हराया, मालवा के नरवर्मन जो नरवर्मन है उसे हराया था। फिर इसने क्या है, इसने गुजरात के एक राजा था, राजा का नाम क्या था, जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज को क्या करता है, ये हराता है। और जयसिंह सिद्धराज ने फिर इसकी एक राजकुमारी थी, अपनी राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, कांचन देवी। कांचन देवी से क्या करता है, इसका विवाह करता है। तो इसने किसे हराया था, इसने गुजरात के जयसिंह सिद्धराज सिद्धराज को हराया था। जयसिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह इसके साथ कर दिया। गुजरात का एक शासक था जिसका नाम क्या था, जयसिंह सिद्धराज। ये अर्णोराज है वो उसे हराता है, हराने के बाद में ये वो हराता है। फिर संधि की परंपरा होती है, संधि की परंपरा के तहत क्या करते हैं ये कि अपने जो वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं जो पहले से हम देखते आ रहे हैं। तो ये जो अर्णोराज है जो सॉरी जयसिंह सिद्धराज है, ये अपनी राजकुमारी थी कांचन देवी, कांचन देवी का विवाह है वो किससे करता है, अर्णोराज से करता है। फिर एक गुजरात का शासक था कौन, कुमारपाल, कुमारपाल को हराता है। और जो कुमार फिर इसने क्या है, अपनी जो राजकुमार, गुजरात का एक शासक था कौन, कुमारपाल, कुमारपाल है वो क्या करता है, अर्णोराज को हरा देता है, अर्णोराज को हरा देता है। फिर ये क्या करता है, इसकी जो अर्णोराज है, अर्णोराज अपनी एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, जालन देवी, कौन सा था, जालन देवी, जालन देवी का विवाह है वो किससे करता है, कुमारपाल से करता है। तो गुजरात के कुमारपाल ने इसे हराया, इसे मतलब किसे, अर्णोराज को हराया, अर्णोराज ने अपनी राजकुमारी झालन देवी का विवाह झालन देवी का विवाह किससे करता है, कुमारपाल के साथ। कुमारपाल है, कुमारपाल के साथ किसका विवाह कर देता है, जो झालन देवी है उसका क्या कर देता है, विवाह कर देता है। उसके बाद इसने क्या है, अजमेर के समीप जो तुर्क है, तुर्कों के क्या करवाया था, हराया था।
तो जब युद्ध हुए थे, युद्ध में क्या कहते हैं कि भारी मारकाट हुई थी, तो जो युद्ध भूमि है वो क्या है, एकदम से खून से सन गई थी, लहू लोहान हो गई थी। तो बताते हैं कि उसे जो अजमेर की भूमि है उसे जो तुर्क हैं, तुर्कों के खून से साफ करने के लिए, धोने के लिए इसने अनासागर झील है उसके क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इसने अजमेर के समीप, इसने अजमेर के समीप तुर्कों को हराया था तथा अजमेर में आना सागर झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने, अनोराज ने क्या तुर्कों को हराया था और जो अनासागर झील है उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर पुष्कर में इसने कि जो वराह मंदिर है उसका भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो पुष्कर के, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर इसने राज था, अन्नोराज ने एक संप्रदाय होता है जैनों में जिसका नाम क्या है, खतरगच्छ। खतरगच्छ जो संप्रदाय है उसको क्या दी थी, भूमि अनुदान में दी थी। तो अन्नोराज ने क्या किया था, इसने खतरगच्छ खतरगच्छ संप्रदाय को, भूमि अनुदान में दी थी। अनुराज है उसने खतरगढ़ संप्रदाय है उसको क्या दी थी, भूमि है वो दान में दी थी। फिर इसके दरबारी विद्वान है उनकी बात करें तो एक था देवबोध और एक कौन था, धर्म घोष। अनुराज के दरबारी विद्वान है वो कौन थे, एक है देवबोध दूसरे का नाम क्या है, धर्म घोष। ये जो अनुराज है, अनुराज है इसकी जो हत्या है, इसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, जगदेव। जगदेव है वो क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो अनुराज की हत्या, अनुराज की हत्या इसका बेटा, जगदेव कर देता है। पिता की हत्या करने के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, जगदेव है वो बनता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो अर्णोराज है, जो आगे के जो चौहान है, अजमेर के चौहान, उनके जो शासक है उनका एक बार हम चार्ट के द्वारा देखते हैं। तो अर्णोराज, अर्णोराज की क्या थी, दो रानियां थी, एक सुधवा और दूसरी का नाम क्या कांचन देवी। ये जो सुधवा थी, सुधवा के दो बेटे थे, एक का नाम क्या था, जगदेव, और दूसरा बेटा था उसका नाम क्या था, विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ। और ये जो कांचन देवी थी, कांचन देवी का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, सोमेश्वर। सोमेश्वर था। जगदेव है, जगदेव के क्या थे, एक बेटा था जिसका नाम क्या था, पृथ्वीराज सेकंड। जगदेव के बेटे का क्या नाम था, पृथ्वीराज सेकंड। और ये जो विग्रहराज था, विग्रहराज के दो बेटे थे, एक था अपर गांगे और एक था नागार्जुन। विग्रहराज के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम क्या था, अपर गांगे,
अपर गांगे, और दूसरे का नाम क्या था? नागार्जुन। सोमेश्वर है, सोमेश्वर के दो बेटे थे, एक था पृथ्वीराज। ये जो पृथ्वीराज है, ये कौन सा पृथ्वीराज? पृथ्वीराज थर्ड। और एक कौन था, दूसरे का नाम था, वो था हरिराज। हरि राज पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के एक बेटा था जिसका नाम क्या था? गोविंद राज। इनका चार्ट है। अनुराज के दो रानियां थी, एक सुधवा थी, एक कांचन देवी थी। सुधवा के दो बेटे थे, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ, और कांचन देवी का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? सोमेश्वर था। फिर जगदेव का एक बेटा था पृथ्वीराज, और जो विग्रहराज के दो बेटे थे, एक अपरगांगे और एक नागार्जुन था। सोमेश्वर के दो बेटे थे पृथ्वीराज थर्ड और एक हरिराज, और पृथ्वीराज थर्ड के एक बेटा था जिसका नाम क्या था? गोविंद राज था। अब अन्नोराज की हत्या के बाद में शासक कौन बनता है? जगदेव। जगदेव को हटाकर बेटा शासक बन जाता है अन्नोराज, नहीं सॉरी विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। फिर विग्रहराज चतुर्थ, जब उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ के बाद में शासक कौन बनता है? अपरगांगे। अपरगांगे को हटाकर शासक बन जाता है कौन? बन जाता है पृथ्वीराज। फिर पृथ्वीराज सेकंड है, पृथ्वीराज सेकंड के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? सोमेश्वर। सोमेश्वर के बाद में शासक बनता है पृथ्वीराज थर्ड, और पृथ्वीराज थर्ड के बाद में शासक कौन बनता है? गोविंद राज। तो ये क्या है, इनका क्रम है गोविंद, जगदेव, जगदेव के बाद विग्रहराज चतुर्थ, अपरगांगे, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर, पृथ्वीराज थर्ड और गोविंद राज। ये क्या है, इनका क्रम है। तो अनुराज है, अनुराज की क्या हो जाती है? हत्या कौन करता है? जगदेव करता है। तो अगला शासक है वो कौन बनता है? फिर जगदेव। जगदेव, जगदेव है वो क्या शासक बनता है, लेकिन जो इसका भाई है, भाई कौन? विग्रहराज। वो क्या कर देता है, इसे हटा देता है, और हटाकर क्या बन जाता है? स्वयं क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। तो जो जगदेव है, जगदेव के बाद में अगला शासक बनता है कौन? विग्रहराज चतुर्थ, जो कि 1153 से लेके 1163 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो विग्रहराज चतुर्थ का माना जाता है। तो अगला शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1153 से लेके 1153 से लेके 1163 के बीच, 1163 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है? विग्रहराज का आता है। फिर जो दशरथ कुमार शर्मा है, दशरथ कुमार शर्मा के अनुसार इसका जो शासनकाल था वो अजमेर के जो चौहान वंश है उनका क्या था? स्वर्ण काल बताया है। किसने? दशरथ शर्मा ने। तो दशरथ शर्मा है उसने क्या बताया है? कि जो विग्रहराज चतुर्थ है उसका जो शासनकाल है वो अजमेर के चौहानों का क्या रहा है? स्वर्ण काल रहा है, दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा के अनुसार इसका शासनकाल 1153 रहा है। किसका शासनकाल? विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल। फिर गुजरात का एक शासक था कौन? कुमारपाल। कुमारपाल है, कुमारपाल को हन्नोराज ने हराया था, और ये जो विग्रहराज है ये क्या है? ये अपने बाप का बदला लेता है और कुमारपाल को क्या करता है? हराता है। तो इसने इसने गुजरात के शासक, गुजरात के शासक कुमारपाल को हराया। किसे हराया? कुमारपाल है उसे हराया। किसने? जो विग्रहराज चतुर्थ है उसने हराया था। फिर जो ललित विग्रहराज है, ललित विग्रहराज है, इसके अनुसार इसने गजनवी का जो शासक था कौन? खुसरो शाह। खुसरो शाह को क्या करता है? भी हराता है।
तो ललित विग्रह राज के अनुसार विग्रह राज के अनुसार इसने गजनवी के शासक, गजनवी के शासक शासक का नाम क्या था? जो गजनवी का शासक था जिसका नाम था खुसरो शाह। खुसरो शाह को, अरे ये बात कौन बताता है? ललित विग्रह राज है वो बताती है। फिर बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने क्या है दिल्ली के तोमरों को हराया और इसने जो अपने उनको क्या बनाया अपना सामंत बनाया। ये जो दिल्ली के जो तोमर थे इन्हें क्या दिल्ली दिल्ली का के तोमर भी कहते हैं, दिल्ली का के तोमर। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार दिल्ली के तोमरों को हराया तथा इन्हें अपना सामंत बनाया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ है, उसने दिल्ली के जो तोमर थे तोमरों को हराता है और इन्हें क्या बनाता है अपना सामंत बनाता है। फिर ये जो विग्रहराज चतुर्थ है इसने दिल्ली का जो शिवालिक अभिलेख है उसे लिखवाया था, जो कि दिल्ली का जो टोपरा अभिलेख है, अशोक का जो टोपरा अभिलेख है उसके ठीक क्या है नीचे लिखा हुआ है। कैसे? ये क्या है? ये दिल्ली का टोपरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? टोपरा किसका है? अशोक का है। इसके नीचे ऊपर क्या है, यहां पर टोपरा का अभिलेख है और इसके नीचे ये अभिलेख है, ये किसने लिखा? ये है शिवालिक का अभिलेख। शिवालिक अभिलेख जो कि कौन लिखवाता है? शिवालिक अभिलेख है ये विग्रह राज चतुर्थ। चतुर्थ तो विग्रह राज चतुर्थ है, इसने क्या है जो शिवालिक स्तंभ अभिलेख है, कौन सा शिवालिक स्तंभ लेख है अभिलेख है वो लगवाया इसने? शिवालिक स्तंभ अभिलेख। शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया जो कि दिल्ली टोपरा, अभिलेख के नीचे स्थित है। जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है उसके क्या है ये नीचे स्थित है। फिर ये जो विग्रह राज चतुर्थ है इसने किसकी स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना की थी और यहां पर क्या है एक जो तालाब है उसका क्या है निर्माण करवाया था। बिसलपुर में इसने क्या है कि शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो इसने बिसलपुर की स्थापना की तथा यहां पर शिव मंदिर तथा तालाब का निर्माण करवाया। घोसले की बिसलपुर है उसकी स्थापना करने वाला कौन था? वो कौन था? विग्रह राज चतुर्थ था। फिर जो धर्मघोष सूरी है, धर्मघोष सूरी के कहने पर इसने क्या है एकादशी के दिन जीव हत्या है वो करने पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। तो किसके कहने पर? धर्मघोष सूरी
सूरी के कहने पर। इसने एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी। किसने? विग्रहराज चतुर्थ है, उसने धर्म को सूरी है उसके कहने पर क्या कहा, एकादशी के दिन क्या कर दी थी, जीव हत्या है उस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। फिर एक जो इसने क्या किया था, इसने एक हरकेली नामक है वो एक नाटक लिखा था, एक नाटक लिखा था, नाटक का नाम क्या है, हरकेली। किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो जो हरकेली जो नाटक है ये भारवी का एक नाटक है जिसका नाम क्या है, किरातार्जुनीयम। किरतार जो नियम है उस पर क्या है ये आधारित है। तो हरकेली जो नाटक है वो किस पर आधारित है, भारवी का जो किरत जो किरातार जो नियम है उस पर क्या है ये आधारित है। ये किरात अर्जुन, अर्जुन है, अर्जुन किरात का मतलब है शिव। अर्जुन है, अर्जुन को क्या हो जाता है, अपने ऊपर क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है। ये जो किरातार्जुन नियम है ये बताती है, इसके अनुसार अर्जुन है, अर्जुन को क्या हो जाता है, अपने ऊपर घमंड कि मुझसे बड़ा कोई धनुधर नहीं है। तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए जो भगवान शिव है वो क्या है, किरात का रूप धारण करके आते हैं और क्या करते हैं, उसका जो घमंड है उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। फिर इसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला है उसका निर्माण करवाया था जिसका नाम क्या था, सरस्वती कंठाभरण नामक क्या है, पाठशाला का निर्माण करवाया था। तो इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था, पाठशाला का निर्माण करवाया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ है, उसने इसका निर्माण करवाया था। कालांतर में जो संस्कृत पाठशाला है इसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो दीवारें हैं उन पर क्या हरित जो हरकेली जो नाटक है उसकी पंक्तियां और जो ललित विग्रहराज है उसकी जो पंक्तियां हैं वो क्या है, उत्कीर्ण की गई थी। किस पर? जो कंठाभरण जो पाठशाला है उसके ऊपर क्या की गई थी, एक तो हरकेली नाटक, हरकेली नाटक, और जो दूसरी है वो कौन सी है, ललित विग्रहराज। विग्रहराज की पंक्तियां उत्कीर्ण की गई है। कहां पर? जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला है उसकी जो दीवारें हैं उस पर क्या है, हरकेली नाटक है उसकी जो पंक्तियां और जो ललित विग्रहराज है उसकी पंक्तियां है वो क्या है, उत्कीर्ण की गई हैं। कालांतर में जो संस्कृत पाठशाला है उसको क्या है, तोड़ दिया जाता है। ये जो कंठाभरण जो पाठशाला है, कालांतर में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता है, इसको ये जो पाठशाला है इसको तोड़ देता है और यहाँ पर क्या है, एक मस्जिद का निर्माण करता है। क्या करता है, यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करता है और ये जो मस्जिद है ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है उसके नाम से क्या है, जानी जाती है। तो कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को क्या कर दिया था, तुड़वा दिया था, पाठशाला को तोड़ दिया तथा यहां पर मस्जिद का क्या करवाया, निर्माण। ये जो मस्जिद है,
इस मस्जिद को किस नाम से जाना गया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इस नाम से इसे क्या जाना गया था। पहले क्या मानते थे कि यह ऐसा माना था कि अढ़ाई दिन में बनी थी, लेकिन यह अढ़ाई दिन में नहीं बनी थी। यहां पर एक पंजाब सा पीर है, उसका उर्स लगता है अढ़ाई दिन का, तो उस उर्स लगने के कारण इसे क्या है अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। तो यहां इसके पास में यहां पर पंजाब सा पीर का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, उसका मतलब यहां पर क्या लगता है, मेला लगता है। किसका? पंजाब सा पीर का ढाई दिन का जो मेला वो ढाई दिन तक चलता है, तो इसी वजह से क्या है इसे ढाई दिन के झोपड़े के क्या है नाम से जाना जाता है। फिर जो विग्रह राज है उसके दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें, तो एक था वो कौन था? सोमदेव। सोमदेव, ये जो सोमदेव है इसने लिखी थी ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज लिखने वाला है वो कौन था? सोमदेव था। ये जो पुस्तक है इसमें विग्रह राज तथा देव देश देशली देवी की क्या है प्रेम कहानी है। किस किस की प्रेम कहानी है? ये प्रेम कहानी पर आधारित है। प्रेम कहानी किसकी? विग्रह राज। और एक इसके वो जो दूसरी है उसका क्या नाम था? देसल देवी, सॉरी देशलीनी, देसल देवी, देसल देवी है। इनकी क्या है ये प्रेम कहानी पर आधारित है। कौन सी? ललित विग्रह राज है। फिर यदि हम इसके उपाधि की बात करें, उपाधि है, उपाधि की यदि हम बात करें तो इसकी उपाधि है वो कौन सी? एक उपाधि है विशल देव, कौन सी उपाधि है? विशल देव। और एक है वो कौन सी है? कवि बांधव, कवि बंधु। विशल देव और कवि बंधु है वो क्या है इसकी उपाधि है। ये जो कवि बंधु है ये किसके अनुसार है? पृथ्वीराज विजय के अनुसार। पृथ्वीराज विजय है उसके अनुसार इसकी उपाधि है वो कौन सी है? एक तो कवि बांधव है। दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें तो वो कौन है? सोमदेव, जिसने क्या लिखी थी? ललित विग्रह राज लिखी थी। ये प्रेम कहानी पर आधारित है। किसकी? विग्रह राज। और देसल देवी है उसकी प्रेम कहानी पर आधारित है। फिर विग्रह राज के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है अपर गांगे। अपर गांगे, अपर गांगे है वो क्या है इसका बेटा है, बेटा है किसका? विग्रह राज का। विग्रह राज चतुर्थ का क्या है? बेटा है, अपर गांगे है। ये जो विग्रह राज चतुर्थ है ये क्या है? जगदेव को क्या कर देता है? हटाकर क्या बनता है? राजा बनता है। तो जो जगदेव का बेटा था जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज सेकंड, वो भी क्या करता है फिर अपर गांगी है उसको क्या कर देता है? हटा देता है और क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो इसे अपर गांगी है इसे किसने हटाया था? इसे पृथ्वीराज सेकंड ने क्या किया था? हटा दिया था। और क्या बन जाता है? पृथ्वीराज सेकंड है वो क्या बन जाता है? स्वयं राजा बन जाता है। इससे जो आगे है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।